तो दोस्तों आज हो गई है 3 अक्टूबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को पूरी तरीके से फेल मांगते हैं और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो। तो आइए दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों को बताते चलें। हाथरस का मामला, गांव में मीडिया की एंट्री बैन, राहुल गांधी बोले सच छुपाने के लिए दरिंदगी पर उतरा है प्रशासन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हाथरस की घटना को लेकर के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। इस बार राहुल गांधी ने हाथरस में मीडिया की एंट्री को बैन किए जाने को लेकर के निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि यूपी प्रशासन सच छुपाने के लिए दरिंदगी पर उतर चुका है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि यूपी प्रशासन सच छुपाने के लिए दरिंदगी पर उतर चुका है, ना तो हमें और ना ही मीडिया को पीड़िता के परिवार से मिलने दिया और ना उन्हें बाहर आने दे रहे हैं। ऊपर से परिवारजनों के साथ मारपीट और बर्बरता, कोई भी भारतीय ऐसे बर्ताव का समर्थन किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता है। ये यहाँ पर राहुल गांधी ने जोरदार हमला किया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। दोस्तों अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि कानून व्यवस्था संभालने के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से फेल हैं और राहुल गांधी ने सारी बातें सही कही हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवा दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, हाथरस पीड़िता के परिवार को पुलिस ने किया नजरबंद तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बोले योगी ने यूपी को तालिबान बना दिया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ योगी सरकार की पुलिस इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि हाथरस गैंगरेप पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार तक परिवार को नहीं करने दिया गया। अब खबर सामने निकल के आ रही है कि यूपी पुलिस ने पीड़िता के परिवार को नजरबंद किया हुआ है। इस मामले में पीड़िता के भाई ने पुलिस से छिप करके मीडिया से बातचीत की है जिसमें उन्होंने यह बताया है कि यूपी पुलिस के द्वारा हमें नजर बंद करके रखा गया है। तो वहीं पीड़िता के परिवार का कहना है कि हमें सरकार का मुआवजा नहीं चाहिए, हम पर लगातार सरकार के द्वारा मुआवजा लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है, हमारी बस यही डिमांड है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो और अच्छा न्याय मिले। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ पर जोरदार हमला किया है। संजय सिंह ने कहा है कि योगी जी आपने वाकई यूपी को तालिबान बना दिया, कोई कोर्ट कचहरी कानून इस देश में है या फिर नहीं। ये यहां पर संजय सिंह ने जोरदार हमला किया है यूपी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल के आ रही है, हाथरस मामले में प्रियंका गांधी ने हाई कोर्ट के आदेश को बताया है आशा की किरण, बोली पूरा देश न्याय की मांग कर रहा है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के द्वारा शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किए जाने को लेकर के कहा है कि इस मामले में यह एक आशा की किरण है। उन्होंने ट्वीट किया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश आया है, पूरा देश हाथरस की बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि पीड़िता के परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से किए गए अंधकारमय, अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच उच्च न्यायालय का आदेश आशा की किरण है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीएम से लेकर के एसपी, डीजीपी और एडीजी को समन जारी किया है और कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है और काफी कड़ी फटकार भी लगाई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल, पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान लगातार जारी, पटरियों पर डटे हुए हैं किसान। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, रेलवे ट्रैक पर बैठी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी को 31 किसान संगठनों का भी अब समर्थन मिल गया है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ हम झुकने वाले नहीं है, हम लड़ाई लड़ेंगे और मोदी सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, हाथरस कांड, गांव से छिपकर के आया लड़का बोला ताऊ के सीने पर डीएम ने मारी है लात, फोन छीन करके सबको कमरे में कर दिया बंद। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस समय योगी सरकार की पूरे देश में ही लगातार फजीहत हो रही है। आगे आप लोगों को बताते चले, हाथरस कांड में पुलिस और प्रशासन की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पीड़िता के गांव में घेराबंदी की गई है, किसी को भी गांव से बाहर आने
और बाहर से किसी को गांव में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इधर गांव से छिपकर के मीडिया के पास आए एक लड़के ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लड़के ने कहा कि पीड़िता के घर वाले मीडिया से बात करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घर में कैद कर दिया गया है, सबके मोबाइल छीन लिए गए हैं और उसके ताऊ की छाती पर लात मारी है डीएम ने। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की पर बोले हैं संजय राउत, वो इंदिरा गांधी के पोते हैं ये मत भूलना। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए अत्याचार और अमानवीयता को लेकर के पूरे देश में योगी सरकार की काफी थू-थू हो रही है और लगातार कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस जाते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी पर शिवसेना के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संजय राउत ने कहा है कि राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं ये नहीं भूलना चाहिए। राहुल गांधी राजीव गांधी के बेटे हैं और इन सभी लोगों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। संजय राउत ने आगे कहा है कि राहुल गांधी की आप राजनीतिक तौर पर आलोचना कर सकते हैं, करते भी हैं आप लोग, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर किसी दलित लड़की का रेप और मर्डर होता है और किसी राजनीतिक पार्टी के प्रमुख नेता पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं तो ऐसा व्यवहार बिल्कुल ही गलत है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्या आप अपने सभी राजनीतिक विरोधियों के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे? तो वहीं संजय राउत ने आगे कहा है कि यह देश के लोकतंत्र का गैंगरेप है। ये यहां पर तमाम बातें कही हैं संजय राउत ने और यहां पर योगी सरकार पर बोला है जोरदार हमला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक पेपर जारी, शिवराज सरकार के घोटाले गिनाए। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए ब्लैक पेपर जारी किया है। इसमें बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार और घोटालों का जिक्र किया गया है। बीजेपी के 15 साल के शासन की तुलना कांग्रेस के 15 महीने से यहां पर की है कांग्रेस पार्टी ने। आगे आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उपचुनाव के इस माहौल में प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी सरकार के खिलाफ आक्रामक हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार के पहले 15 और मौजूदा 5 महीने पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस ने जनता के आरोप नाम से जारी पत्र में बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने, घोटालों और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस आरोप पत्र में प्रदेश बेहाल होने का स्लोगन भी दिया है यहां पर कांग्रेस पार्टी ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले मजदूर किसान का परिश्रम आत्मनिर्भरता का सबसे अच्छा उदाहरण है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में आंदोलन लगातार जारी है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार किसान और मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार का मामला केंद्र की मोदी सरकार के सामने उठा रहे हैं और मोदी सरकार को लगातार राहुल गांधी निशाने पर ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गुजरात सरकार के मजदूरों को लेकर के किए गए फैसले को खारिज किए जाने के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश के मजदूर किसान का परिश्रम आत्मनिर्भरता का सबसे उम्दा उदाहरण है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि उन्हें इज्जत और अपनी मेहनत की सही कमाई मिलनी ही चाहिए। जय श्रमिक, जय जवान, जय किसान। दरअसल गुजरात सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया था कि मजदूरों को ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किए बिना अतिरिक्त काम करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया और एक तगड़ा झटका दिया। इसी पूरे मामले पर राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। आइए दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, हाथरस केस, पुलिस की धक्का मुक्की में गिरे डेरेक ओब्रायन, टीएमसी नेता बोली हमारे ब्लाउज खींचे गए। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड को लेकर के लगातार योगी सरकार चौतरफा घिरती ही जा रही है। देश भर में योगी सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है जनता में भी। कई विपक्षी पार्टियां मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और यूपी पुलिस के रवैये को लेकर के सवाल उठा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता के गांव पहुंचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान धक्का मुक्की में टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन गिर पड़े।
तो वहीं तृणमूल की नेता ममता ठाकुर ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। ममता ठाकुर ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा है कि महिला पुलिसकर्मियों ने हमारे ब्लाउज खींचे और हमारी सांसद प्रतिमा मंडल पर लाठीचार्ज किया, वे नीचे गिर गईं। फीमेल पुलिस के होते हुए भी मेल पुलिस ने हमारी सांसद को छुआ, यह शर्म की बात है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि TMC ने जोरदार हमला बोला है योगी सरकार पर और UP पुलिस को लिया है निशाने पर। और यहां पर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश लगातार योगी सरकार कर रही है। गांव में किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पहले हाथ रस जाने की कोशिश राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी की। मीडिया को भी गांव के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहां पर TMC के नेताओं के साथ भी यहां पर UP पुलिस ने की है बदसलूकी। दोस्तों, अगर आप लोग भी योगी सरकार के द्वारा लगातार की जा रही तानाशाही के खिलाफ खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी के खिलाफ यूपी पुलिस की कार्रवाई से नाराज पांडिचेरी के मुख्यमंत्री भूख हड़ताल पर बैठे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ पुलिस के लापरवाह व्यवहार को लेकर के पांडिचेरी की सरकार ने नाराजगी जताई है। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी और उनके साथी मंत्रियों ने भूख हड़ताल की है। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई प्रदेश के हिटलर राज और जंगल राज को दर्शाती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई दृष्टता, अलोकतंत्र और बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकारों को रौंदने का स्पष्ट प्रयास है। ये यहां पर कांग्रेस ने जोरदार हमला किया है योगी सरकार पर। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन में सस्पेंस हुआ खत्म। कांग्रेस और RJD इतने सीटों पर लड़ेगी चुनाव। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल काफी तेज है। सूत्रों की माने तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के बात बन गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD और कांग्रेस के बीच मची खींचतान की खबरों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस 68 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, तो वहीं CPIML को 19 सीटें मिलेंगी। इधर CPI और CPM के खाते में संयुक्त रूप से 10 सीटें होंगी, बाकी सीटें RJD के पास रहेंगी। बताया जा रहा है कि RJD मुकेश सहनी को समायोजित करेगी। मुकेश सहनी की पार्टी VIP को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं। ये यहां पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत